नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 12 वर्षीय अर्धविकसित किशोरी के साथ पहले तो रेप किया गया, फिर जब उसने लहूलुहान हालत में बनत की गुहार लगाई तो लोग उसे धुतकारते दिखे। अर्धनग्न हालत में ही वो युवती मदद की तलाश में 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चली, लेकिन इसी दौरान किसी ने उसकी मदद नहीं की। मदद के लिए पैदल घूमती बच्ची का वीडियो कई सीसीटीवी में कैद हुआ है। बाद में एक आश्रम के आचार्य की मदद से पीड़िता अस्पताल पहुंच सकी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना उज्जैन के महाकाल की है। दरअसल सोमवार 25 सितंबर की सुबह उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम के पास 12 वर्षीय नाबालिग लहूलुहान और नग्न हालत में पहुंच गई। उसकी स्थिति को देख आश्रम के एक आचार्य ने नाबालिग को गमछा पहनाया और उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग की हालत देखकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पीड़िता की हालत गंभीर होने के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। साथ ही एसपी सचिन शर्मा ने आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम गठित की है। खोजबीन के दौरान पुलिस ने महाकाल के तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के आसपास में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें शांति पैलेस होटल के पीछे नाबालिग लहूलुहान और अर्धनग्न हालत में स्थानीय लोगों से मदद मांगती देखी गई, लेकिन नाबालिग की स्थिति को देखने के बाद भी उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़िता बातों से यूपी के प्रयागराज की रहने वाली है, उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर जरूरत पड़ने पर पुलिस कर्मियों ने उसे ब्लड दिया है। लड़की की हालत अभी ठीक है। मामले में दोषियों का पता लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं, तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाए।